खुशी रूप का स्वागत करती हूँ हेजे न्यूज में। आज हम लोग आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि विज्ञान से ही पॉसिबल हुई है। मतलब कि 74 साल की एक औरत ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है विज्ञान की हेल्प से। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। हैदराबाद के गोदावरी जिले से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर मंगम्मा नाम की एक औरत जिसकी एज 74 साल बताई जा रही है, उन्होंने हाल ही में ही 2 ट्विंस बच्चों को जन्म दिया है। उनकी शादी को 54 साल हो गए थे और उनके कोई भी बच्चा नहीं था और वो काफी ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि उनको कोई ना कोई तो संतान चाहिए थी और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। तब वहां पर डॉक्टर्स ने उनको बताया कि विज्ञान में एक ऐसा प्रोसीजर है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तब आप अपने ही बच्चे की मां बन सकती है। आप लोगों को पता है कि सरोगेंसी वगैरह होती है, क्या होता है कि सरोगेंसी मां होती है तो अगर कोई भी मां रहती है तो उसे दूसरी लड़की से एक ऐसा है कि लीगली प्रोसीजर है कि वो मां बन सकती है। पर यहां पर एक अलग तरीके से उसको प्रेग्नेंट किया गया और उसके बाद उस औरत ने 74 साल की बुजुर्ग औरत ने 2 बच्चों को जन्म दिया और जब वो हॉस्पिटल थी तब सीजरिंग से उन 2 बच्चों को जन्म दिया और डॉक्टर्स ने बताया है कि माँ और बच्चे दोनों ही हेल्दी है पर अभी भी माँ को हॉस्पिटल में रखा गया है और उसकी देखरेख की जा रही है क्योंकि उनकी एज काफी ज्यादा हो गई है और बोन्स काफी ज्यादा कम हो गई हैं, जो मतलब कि वो हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, तो इसके कारण उनकी बहुत ज्यादा देखरेख की जा रही है। IVF की मदद से ये मंगम्मा अभी माँ बन चुकी हैं और वो बहुत ज्यादा खुश है और उनके पति भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि भगवान ने उनकी झोली में बच्चे डाल दिए हैं, ना कि एक, 2-2 जुड़वा बच्चे हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश है। बोलते हैं ना कि माँ का ममता, माँ का प्यार माँ का ही होता है, वो कितनी भी उसकी एज हो पर अपने बच्चे को गले से लगाना वो चाहती हैं। बोलते हैं कि माँ का जन्म एक बार फिर दोबारा से होता है जब वो माँ बनती है। तो अभी हम लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं और अपने बच्चे के साथ इनके बच्चे और ये भी तंदुरुस्त रहें और आगे की भी खबरें हमारे पास आएंगे तो हम आप तक जरूर लेके आएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।